हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्क विला में। इस बार की वीडियो में आप देखने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ मल्टीपर्पज़ रूम और वी कैन से मल्टी फंक्शनैलिटी रूम, मतलब एक रूम बट उसके डिफरेंट यूजेस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मल्टीपर्पज़ रूम का कॉन्सेप्ट यही है कि एक रूम रहेगा लेकिन उसमें आप फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। सो मल्टीपर्पज़ रूम का कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि वन रूम मल्टीपल यूजेस। नाउ कौन क्या क्या यूजेस अब हो सकती हैं वो चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मल बेडरूम है और इसमें डिफरेंस क्या है, तो पहला चीज़ ये है कि जो मल्टीपर्पज़ रूम होता है उसमें आप बेड एंड जो बेसिक एसेसरीज होती हैं उसके अलावा इसमें आप अपना एक पर्सनल ऑफिस बना सकते हो। दूसरी चीज़, आप इसमें अगर ऑफिस नहीं बनाना चाहते हैं तो आजकल आप देखे होंगे कि गेमिंग जो लोग कुछ लोग होते हैं जो गेमिंग सेटअप करना बनाना चाहते हैं, आप वो भी इसमें कर सकते हो। तीसरी चीज़, अपना खुद का एक पर्सनल लाइब्रेरी इसमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जो लाइक जो बुक कलेक्शंस आप रखना चाहते हो जो भी बुक्स की वो आप रख सकते हो। तो ठीक है, एक लाइब्रेरी हो गया आपका, दूसरा ऑफिस हो गया, तीसरा गेमिंग सेटअप अगर आपको करना है तो वो हो गया, चौथी चीज़ इसमें डाइनिंग सेट भी आप इसमें अटैच कर सकते हो, छोटा सा डाइनिंग सेट आप इसमें अटैच कर सकते हो। चौथी चीज़, पांचवी चीज़, इसमें आप जो है कि इसको आप गेस्ट रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़, ठीक है, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। लाइक इसमें हमने ऐसा नहीं बनाया है कि गेस्ट रूम के लिए, लेकिन आजकल जो भी फर्नीचर के वर्क हो रहे हैं उसमें इस तरह से उसको फर्नीचर को डिज़ाइन किया जाता है कि वही बेड आपको जब यूज़ सोने के लिए इस्तेमाल होता है एंड जब गेस्ट आते हैं तो वो बेड कम सोफ़ा बन जाता है, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं। सो इस तरह से हम इसको मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। लाइक इन 2020 जब कोरोना आया तो बहुत लोगों के जो वर्क थे वो जॉब्स थे वो वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है, तो वो घर से ही काम करने लगे। नाउ तब से ये जो मल्टीपर्पज़ रूम का कॉन्सेप्ट है ये ट्रेंडिंग में आ गया था। लोग चाहते थे कि सेम रूम में हमारा जो छोटा सा सेटअप है अपना ऑफिस का वो भी रहे, हमारा पर्सनल लाइब्रेरी भी हो एंड बाकी चीज़ें भी एक ही जगह पर हो। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से था लेकिन इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे इसको थोड़ा पुश मिला एंड आफ्टर दैट आज के टाइम पे लोग खुद चाहते हैं कि उनका जो रूम हो मल्टीपर्पज़ की तरह हो, क्योंकि सिटीज़ में एरिया बहुत कम रहता है एंड इस पे उस छोटे से एरिए को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना ही मेन कॉन्सेप्ट होता है आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स का। सो हमारा भी वही एक मेन मोटो रहता है कि हम छोटे से एरिया को कितना से कितना उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे ये मेरा खुद आप देख सकते हो सेटअप, ये मेरा पर्सनल रूम है, यहाँ पे मेरा साइड में बेड है, पीछे सेटअप है, देन एक छोटा सा टेम्पल है, ठीक है, मेरा खुद का एक छोटा सा लाइब्रेरी है एंड वार्डरोब है। सो मैंने भी अपने इस छोटे से एरिया को मल्टीपर्पज़ रूम में कन्वर्ट कर लिया है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि मल्टीपर्पज़ रूम क्यों यूज़ होता है एंड आप भी अपने घर में मल्टीपर्पज़ रूम बनवा सकते हो, काम करा सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनर से, ठीक है। अभी आप जो इंटीरियर डिज़ाइन देखने वाले हैं उसमें हमने 3 वर्जन्स को इंट्रोड्यूस किया है एंड वन बाई वन आपको तीनों वर्जन्स देखने को मिलेगा। सो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं लास्ट में।
आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एज ऑलवेज एंड कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। आप दोनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो एंड ऐसे ही आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को कम्प्लीट देखा कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको खूब शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।